कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर बड़ी तेजी से काम कर रहा है। सभी प्रमुख समितियों की घोषणा होने के साथ ही पार्टी की चुनावी तैयारियां जोर पकड़ रही है। विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार में आईटी और सोशल मीडिया के उपयोग से कांग्रेस जनों को अवगत कराने पार्टी की पहली कार्यशाला कल सुबह 9 बजे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी। कार्यशाला में भोपाल और होशंगाबाद संभाग के सभी जिलों के ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ता भाग लेंगे जो सोशल मीडिया में सतत रूप से सक्रिय हैं। ये जानकारी कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी मुकेश नायक ने दी। देखिए, ये आधुनिक युग है और भारत आधुनिक भारत के सृष्टिकाल में है और इस दृष्टि से जो सामाजिक सरोकार है, हमारे सोशल नेटवर्क है, उस पर खुशियां बांटना, दोस्ती करना, आमंत्रण देना, समारोह में शामिल होना और एक व्यापक सामाजिक सरोकार रखना, इसकी परंपरा शुरू हो गई है। अभी भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं और पूरे विश्व में लगभग 7 करोड़ लोग इससे जुड़े हुए हैं। इस ट्विटर पर, ब्लॉग पर, फेसबुक पर बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, राष्ट्र के निर्माण में इनकी क्या सकारात्मक भूमिका हो सकती है, सामाजिक सरोकारों को अपने राष्ट्र प्रेम, उनकी चिंताएं, उनकी उन्नति, उनके विकास से हम कहां जुड़ सकते हैं, इसको लेके हमने आईटी सेल का गठन किया है राष्ट्रीय स्तर पर और मध्य प्रदेश में इसकी पहली बैठक है। राहुल गांधी जी की प्रेरणा से, उनकी लीडरशिप में इस सेल का गठन हुआ है और हम सामाजिक सरोकारों को एक रचनात्मक दिशा देना चाहते हैं, राष्ट्र प्रेम की तरफ लोगों को ले जाना चाहते हैं और जो परस्पर सामाजिक संबंध है इसमें समरसता हो, सद्भाव हो, प्रेम हो, सहिष्णुता हो, उदारता हो, करुणा हो, दया हो और सदैव केंद्र में हमारा देश हो, इस बात को लेकर हमने आईटी सेल का गठन किया और पहली कल उसकी मीटिंग है। प्रतिभागियों के चयन के लिए कांग्रेस के जिला अध्यक्षों से 10-10 और ब्लॉक अध्यक्षों से 5-5 कार्यकर्ताओं की जानकारी मंगवाई गई है। कार्यशालाएं प्रदेश कांग्रेस के नवगठित कम्युनिकेशन विभाग द्वारा आयोजित की जा रही है। इसके बाद दूसरी कार्यशाला 10 सितंबर को सुबह 9 बजे इंदौर में आयोजित की गई है। कार्यशाला में कांग्रेस के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी अजय माकन, मीडिया प्रभारी सचिव प्रिया दत्त, सोशल मीडिया प्रभारी दीपेंद्र हुड्डा और रिसर्च प्रभारी संदीप दीक्षित भी शामिल होंगे। EMS न्यूज के लिए कैमरा पर्सन डनी खान के साथ वैष्णवी चौधरी की रिपोर्ट।